हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मन्ना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास नोकिया का 1174 मॉडल है जिसमें डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। मतलब ये 105 न्यू मॉडल जो है वो है, इसमें जो है नोकिया बोल के तो आ रहा है मगर इसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो आज हमने इसको ठीक किया है बहुत ही आसानी से, कि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियो देखे तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन और प्रॉपर आपको जम्पर कहाँ से क्या मारना है तो आपको पता चल जाएगा, आपका कीपैड लाइट नहीं चलता या डिस्प्ले का लाइट नहीं चलता। तो मैंने यहाँ पर इस फ़ोन को ऑलरेडी रेडी कर दिया है और मैं आपको सिर्फ अभी जम्पर बताऊँगा कि आपको कहाँ से करना है। दो तीन स्टेप बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को कि आपको कहाँ कहाँ से जो है इसको करना है। पहला स्टेप कौन सा होगा, सेकंड स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इसको हमने बहुत ही मुश्किल से फाइंड आउट किया, कम से कम एक आधा घंटा हमको लगा इसको फाइंड आउट करने के लिए कि इसका कनेक्शन कहाँ से ब्रेक होने का चांसेस रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक जम्पर करके रखा है क्योंकि मैंने ये एक्चुअली वीडियो में वॉइस जो है बाद में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब कर रहा था उस टाइम कस्टमर थे शॉप पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले के सेकंड पॉइंट पे जो है हमारा जम्पर किया हुआ है, ठीक है। पहले वाला ग्राउंड होएगा, सेकंड वाले पे जम्पर है। एक्चुअली मैंने उस पर जम्पर इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा था, ठीक है। वहाँ पे हमको 400 के समथिंग, नहीं तो 350 के समथिंग में डिस्प्ले का लाइट का जो वैल्यू आना चाहिए वो वैल्यू हमको नहीं मिल रहा था वहाँ से। तो वो कनेक्शन एकदम परफेक्ट था, कहीं से वाटर डैमेज की वजह से कोई ब्रेक नहीं था, एकदम अच्छा था, फ्रेश था। और मैंने वहाँ से जम्पर लिया, वो वहाँ पे मतलब सोल्डिंग करके मैंने एक वायर को ले लिया और उस वायर को मैंने इस वाले कैपेसिटर पर लगाया हूँ। मैं यहाँ से पहले मैं निकाल देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ सबसे पहले ट्राई किया और वहाँ पे होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका है। देखो, सबसे पहले मेरे को इस जगह पे जंपर आपको करना है, मेरे को नहीं, सॉरी, आपको सबसे पहले उस लाइट के उस जगह पे आपको जंपर करना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले तो ट्राई करके चेक करना है। यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ, जिससे मैं आपको ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं आपको दिखाने के लिए थोड़े ईजी हो जाए। तो मैं थोड़ा हल्का सा हीट भी कर देता हूँ, IP लगाया हूँ इसके लिए, तो मैं थोड़ा सा हीट कर देता हूँ। तो हीट कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा कनेक्शन था लाइट का इस साइड में, जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको इस वाले कैपेसिटर पे भी इस साइड में आप इसका जम्पर लगा सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे है, सेकेंड वाला यहाँ पे है। तो मैंने ये दोनों भी ट्राई किया जो मेरे फ़ोन में लाइट नहीं आया, और लास्ट वाला जो कनेक्शन है, तीसरा वाला कनेक्शन जो इस वाले कैपेसिटर पर सबसे लास्ट पे, ठीक है। देखिए, जो मैंने बीच का जो आपको मैं बता रहा था वहाँ पे भी मुझे रीडिंग नहीं आ रहा था, दोनों कैपेसिटर पर रीडिंग नहीं आ रहा था। चाहे तो मैं वहाँ से जम्पर लेके इस लाइट पे भी लगा सकता था, मैंने डायरेक्ट उस पे लगा दिया, मतलब डिस्प्ले का प्लस में से पॉइंट निकाल के, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा था, वहाँ से लेकर डायरेक्ट मैं इस वाले कैपेसिटर पे लगा दिया हूँ इसका कनेक्शन, इस वाले कैपेसिटर पे, ठीक है। मैं आपको एक बार जूम करके अच्छे से दिखा दूंगा, शायद आपको यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली, देखने में तकलीफ़ हो रहा होगा। तो मैं आपको कैपेसिटर दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको रीडिंग आएगा 3.75 कुछ रीडिंग आएगा। सर, आपके फ़ोन में 400 भी आ सकता है, 435 तक, 450 तक भी आपको रीडिंग मिल सकता है। तो आपको उस वाले कैपेसिटर के ऊपर जो है सोल्डिंग कर देना, डायरेक्ट जंपर वायर आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको फोकस करके अच्छी तरीके से दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप देखिए। तो देखिए, मैंने इस वाले कैपेसिटर यहाँ पे देखिए, सीरियल वाइज जो यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं उसके लास्ट वाले कैपेसिटर के ऊपर मैंने वहाँ पे जंपर किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखा होगा अच्छे से इस पर। और अभी हम डायरेक्टली जो है इसको पैनल के अंदर फिटिंग कर देते हैं, पैनल में फिटिंग करके, और अभी मोबाइल को ऑन करके देखेंगे। ऑन तो हो ही रहा था, अभी भी ऑन होगा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। वायर को हमने तो ऑलरेडी लगा दिया है, तो ये भी फ़ोन यहाँ पे 100% ऑन होगा क्योंकि ये सक्सेस एकदम है। देखिए, ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा।
और बहुत इजी है और इसको आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा कनेक्शन ही ढूंढने में समस्या हुआ था और कुछ नहीं। तो बस दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।